पम्बन ब्रिज जो कि इंडिया की मेन लैंड मंडपम टाउन को पम्बन आइलैंड एंड रामेश्वरम से कनेक्ट करता है, और ये रेलवे ब्रिज ओपन किया गया था इन ईयर 1914। और आपको पता है इट वॉज द लॉन्गेस्ट सी ब्रिज एंड इट वॉज द फर्स्ट सी ब्रिज इन इंडिया। और आज पम्बन ब्रिज को हम लोग बाय रेल जो है क्रॉस करने वाले हैं, वो भी ट्रेन नंबर 16852 रामेश्वरम चेन्नई एक्सप्रेस से। सो हाय गाइस, दिस इज अवांशु और आप देखना शुरू कर चुके हैं ट्रेन लवर्स HY। तो ये रहा अपना कोच रामेश्वरम चेन्नई एक्सप्रेस का HA1, और ये देखो आधा ये है सेकंड AC और आधा है फर्स्ट AC। इस सफर पर लेके जाने वाला है WDM3 लोकोमोटिव, एल्को डीजल लोकोमोटिव। भाई मजा आने वाला है, तगड़ी चकिंग मिलने वाली है हम लोगों को। तो अपने निर्धारित समय 5:25 पे अपना डिपार्चर हो चुका है रामेश्वरम से। तो अपनी ट्रेन निकल चुकी है रामेश्वरम रेलवे स्टेशन से। अब आपको इस रामेश्वरम चेन्नई एक्सप्रेस का हम शेड्यूल एंड टाइमिंग्स बता दें, तो डेली शाम को 5:25 पे निकलती है रामेश्वरम से एंड नेक्स्ट डे मॉर्निंग सुबह 6:45 पे पहुंचा देती है चेन्नई एग्मोर। क्या व्यू है भाई, क्या व्यू है ये देखो। अभी हो रहा है सनसेट और उसके साथ पम्बन ब्रिज की क्रॉसिंग भाई। और ये नया पम्बन ब्रिज यहाँ पर कंस्ट्रक्ट हो रहा है अभी, बहुत जल्द इस पे से भी ट्रेन निकलती हुई मिलने वाली है हम लोगों को। फाइनली यार पम्बन ब्रिज हम लोगों ने क्रॉस कर लिया यार, मज़ा आ गया सही में, अल्टीमेट मज़ा था, मज़ा आ गया। आपको कैसा लगा है कमेंट्स में ज़रूर बताना यार। अभी भी मतलब पम्बन ब्रिज निकल गया लेकिन उसके बाद भी यहाँ देख रहे हो ना, अभी भी हम लोग समुद्र के किनारे ही चल रहे हैं। अभी ट्रेन में ही आपको मिल जाएगा खाने के लिए ओनियन समोसा, केला पकौड़ा एंड मिर्ची पकौड़ा। तो हमने ले लिया है भाई 20 रुपीज़ में 3 पीस मिलेंगे, तो 2 मिर्ची पकौड़े और 1 ऑनियन समोसा और साथ में चाय। ओ भाई मज़ा आ गया आज तो, क्या है ना
कि वैसे तो ट्रेन में नहीं मिलती है अदरक वाली चाय, वो भी साउथ में मिल गई है भाई, गर्मा गर्म अदरक वाली चाय मैंने टेस्ट करके ली, मज़ा आ गया। एक नंबर कड़क चाय है यार, सही में मज़ा आ गया। साथ में ये है मिर्ची पकौड़ा, एकदम जबरदस्त। वैसे गरम तो नहीं मिला मिर्ची पकौड़ा या समोसा वगैरह गरम नहीं है, लेकिन भैया बता रहे हैं फ्रेश है, हमने ले लिया। वैसे ठीक तो लग रहा है खाने में। और ऑनियन समोसा बढ़िया है, सारी चीज़ें बढ़िया है, मस्त। निर्धारित समय से 25 मिनट की देरी से ही आ चुके हैं अपन लोग माना मदुरई जंक्शन, जिसको ओपन किया गया था इन 1902 और इस रेलवे स्टेशन को ऑपरेट करता है साउदर्न रेलवे, आता है ये अंडर मदुरई रेलवे डिवीजन के, और अपनी ट्रेन का यहाँ पर 5 मिनट का स्टॉप है। चलो यार यहाँ पर कुछ देखते हैं खाने पीने के लिए क्या मिल सकता है। तो भाई यहाँ पर अपन को स्टॉल पर मिल गया है चपाती, और चपाती ये देखो 30 रुपये में मिल गई, बढ़िया भाई गर्मा गर्म। इसमें 3 चपाती है और चने की सब्जी, चना चना है ना, चना की सब्जी, वेजिटेबल सब्जी। ओके। और एक ले लिया अपन ने ये स्मूथ, 10 रुपीज़ का ये मिला है। चलो भाई चलो डिनर तो मिल गया है, और बाकी माना मदुरई जंक्शन पर एक चीज़ हमने देखी भाई, यहाँ पर है बुकिंग ऑफिस और यहाँ पर ऑटोमेटिक टिकट वेंडिंग मशीन लगी हुई है, यहाँ पर आप टिकट वगैरह ले सकते हो मशीन के द्वारा डायरेक्ट। और ये भाई एग्जिट है, ट्रेन रुकी हुई थी तो सोचा हमने देखो बगल में ही था तो हमने सोचा दिखा देते हैं आपको। तो ये है खाना जो अभी अपन लोगों ने लिया था, इसमें है 3 चपाती और साथ में बोल रहे थे चने की सब्जी, लेकिन भाई इसमें चना तो है ही नहीं, इसमें सिर्फ प्याज डली हुई है, प्याज की सब्जी है। टेस्ट तो यार बढ़िया, और इसमें जो कड़ी पत्ता डला है ना उसका टेस्ट भी जबरदस्त आ रहा है। और 30 रुपए के हिसाब से भाई और क्या लोगे, 3 रोटी मिल रही है, सब्जी मिल गई, बढ़िया है। साउदर्न रेलवे में ये चीज़ हमने देखी है, चीज़ एकदम प्राइस एकदम सही ही ली जाती है। अब यही चाहते तो 40-50 की ले सकते थे, लेकिन नहीं वो भी नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि साउथ में जब भी आपने ट्रैवल किया होगा तो एक चीज़ देखना, इस तरह की जो भी चीज़ होती है ना पैकिंग वाली, इन पे ऊपर की साइड ही इनके रेट लिखे रहते हैं, ये सीन रहता है। तो भाई टेंशन ही ख़त्म हो जाती है यहाँ पर कि ओवर प्राइस है क्या है, कोई टेंशन ही नहीं, इस पर पहले से स्टैंप लगा रहता है। निर्धारित समय से 2 मिनट की देरी से ही आ चुके हैं अपन लोग तिरुचिरापल्ली जंक्शन, जिसको त्रिचि जंक्शन के नाम से भी जाना जाता है, एंड दिस इज द फर्स्ट एंड ओनली रेलवे स्टेशन इन साउदर्न रेलवे टू गेट गोल्ड सर्टिफिकेशन। और आपको पता है इस रेलवे स्टेशन पर टोटल 9 प्लेटफॉर्म्स बने हैं, 15,000 पैसेंजर डेली आते हैं, और इस स्टेशन को ऑपरेट करता है साउदर्न रेलवे, और अपनी ट्रेन का यहाँ पर 10 मिनट का स्टॉप है। तो ये है अपना कोच, और यहाँ पर जस्ट आगे लगा हुआ जनरल कोच, तो यहाँ पर भाई इडली चपाती ये सारी चीज़ें बिक रही हैं। तो भाई अभी क्या हुआ, हम यहीं पर टहल रहे थे, हमने यार बहुत देर हो गई, 10 मिनट हो गए यार अभी तक ट्रेन चली नहीं है, आगे की साइड नज़र पड़ी तो भाई देखा वहाँ अपना लोको ही गायब है, जो डीजल लोकोमोटिव लग के आया ना रामेश्वरम से वो यहाँ पर हटा दिया गया है। अभी हम गए स्टाफ से पूछा हमने क्या सीन है, तो बता रहे हैं यहाँ से लगेगा इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव, हमने अच्छा भाई ये सीन है, इसलिए ट्रेन अपनी इतनी देर से रुकी हुई है यहाँ पर। वैसे ऑफिशियली 10 ही मिनट का हॉल्ट है, लेकिन उसके बाद भाई आगे टाइम मैनेज कर लेती होगी ट्रेन, इसलिए 10 मिनट का हॉल्ट देकर यहाँ पर लगा रहे होंगे लोकोमोटिव। चलो देखते हैं भाई कौन सा इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव लगाया जा रहा है। ये आ गया भाई अपना फेवरेट लोकोमोटिव WAP-7, रात का बज रहा है 11, और ये देखो कपलिंग हो रही है अपने फेवरेट लोकोमोटिव WAP-7 की।
कुछ ही देर में हम लोग पहुंचने वाले अपनी डेस्टिनेशन, उससे पहले हम दिखाए थे वॉशरूम की कंडीशन भाई। तो यहाँ पर बेसिन वगैरह मेरा एकदम साफ, चलते हैं वॉशरूम में। तो यहाँ भी ये देखो हैंड वॉश, टॉयलेट पेपर अवेलेबल है, साफ सफाई देख ही रहे हो भाई एकदम मेंटेन है। बस यहाँ पर मेरा थोड़ा गंदा है, ये और थोड़ा साफ होता तो सही रहता, देख रहे हो ना थोड़ा गंदा है, बाकी मेंटेन साफ सफाई काफ़ी सही है इस ट्रेन के वॉशरूम में। निर्धारित समय से 3 मिनट की देरी से ही आ चुके हैं अपन लोग अपनी डेस्टिनेशन चेन्नई एग्मोर। तो भाई कैसी लगी आपको ये जर्नी, पम्मन रिच की जर्नी, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और भाई ड्रोन शॉट्स कैसे लगे हैं ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो चलिए मिलते हैं बहुत ही जल्दी एक और जर्नी में। और ट्रेन लवर सिच में हमारी इंस्टाग्राम आईडी देखो यहाँ मेंशन हो रही है ना, वहीं फॉलो कर सकते हो, वहाँ सारे अपडेट्स वगैरह मिलते रहते हैं। और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि नेक्स्ट जर्नी आए आपसे मिस नहीं हो। तो चलिए मिलते हैं बहुत ही जल्दी एक और जर्नी में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।